स्वामी सानंद जी की हत्या के लिए यदि किसी एक व्यक्ति का नाम आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं बिना डरे ले सकता हूं, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदा किया था प्रधानमंत्री बनने से पहले गंगा के लिए, उसको पूरा नहीं किया। इसलिए यदि हत्या का आरोप लगना है तो स्वामी सानंद जी के पत्र के अनुसार नरेंद्र मोदी जी पर है। द्वार में ये मुकदमा दर्ज करने की बहुत कोशिश की थी लेकिन वहाँ की पुलिस ने उसको मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब हम उसको कोर्ट के जरिए आगे लेके जाए। श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गंगा की अविरलता और निर्मलता का काम हम तीन महीने में पूरा कर देंगे और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी गंगा की अविरलता और निर्मलता की बात लिखी और कम से कम 100 सभाओं के अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मैं गंगा का बेटा हूँ, गंगा ने मुझे बुलाया है और अब मुझे गंगा जी से कुछ लेना नहीं है, गंगा जी को देना ही देना है। पिछले 4 सालों में उन्होंने गंगा जी को ना तो अविरलता दी और ना निर्मलता दी और गंगा की अविरलता पर और नए 4 बांध मंदाकिनी और अलकनंदा पर निर्माण के लिए उन्होंने छूट दे दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गंगा पर नए बांध बनाने पर रोक लगा दी थी। ये तो कोई भी विश्वास कर सकता है। हम लोगों ने इस पर विश्वास किया और इस विश्वास के कारण अपने आंदोलन को ठंडा कर दिया, शांत कर दिया और उसके बाद जब इनकी सरकार बनी तो हमने तुरंत पत्राचार किया। इन्होंने कभी पत्राचार का जवाब नहीं दिया, ना कभी ये आमरण अनशन पर बैठे स्वामी सानंद जी से जाके मिले। उससे लगता है कि इन्होंने गंगा को धोखा दिया है और स्वामी सानंद जी ने अपनी तपस्या के अंत में जो अंतिम पत्र लिखा उसमें कहा कि नरेंद्र मोदी जी, राम जी के दरबार में जाके कहूँगा कि नरेंद्र मोदी ने गंगा को धोखा दिया है, गंगा के साथ दगा की है, उसकी सजा उनको दो। मैं उनकी अदालत में, श्री राम जी की अदालत में जाके आपको दंडित